बच्चों, हमने एरर्स के बारे में पढ़ा था पिछली बार कि जब हम मेजरमेंट्स करते हैं, नापतोल करते हैं, तो नापतोल करते समय हम उपकरण लेते हैं और व्हेन वी टेक एनी एपरेटस और इंस्ट्रूमेंट देन वी फेस डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। जैसे हमने देखा कि आपका जो ऑर्डिनरी स्केल होता है उससे आप 3.2 सेंटीमीटर से 3.3 सेंटीमीटर के बीच में नहीं पढ़ सकते। तो ये छोटी छोटी जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, यानी कि जो हमारी सीमाएं हैं, इसी के कारण हमारे मापन में कोई ना कोई त्रुटि आ जाती है। हम एकदम करेक्ट किसी नाप को नहीं ले पाते हैं। और जब हम इस प्रकार से नाप लेते हैं, तो मैंने आपको बताया था किस प्रकार से हम इन त्रुटियों को कम से कम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, या आपने किसी, मान लीजिए एग्जांपल के लिए, मैं स्केल से कोई लंबाई नापता हूँ, तो मैंने इसकी लंबाई नापी और यहाँ से लेकर मैंने जब इसकी लंबाई नापी तो 3.2 से 3.3 के बीच में इसकी लंबाई आई, ना तो 3.2 है ना 3.3 है, और इसके बीच में मुझे पता भी नहीं है कि ये क्या है। मैं ये तो लिख सकता नहीं 3.25 के, और क्योंकि इसमें 5 का तो कोई खाना ही नहीं है। आपके स्केल में 3.2 सेंटीमीटर से लेकर 3.3 सेंटीमीटर के बीच में कोई खाना नहीं होता। तो अब ऐसे में मैं जब भी 3.3 तो है ही नहीं और 3.2 से ज़्यादा है, तो मैं इस स्केल की जब भी लंबाई लिखूँगा, इस बॉडी की जब भी लंबाई लिखूँगा, मैं लिखूँगा इसकी लंबाई 3.2 सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें 3.2 से 3.3 के बारे में पता नहीं है, तो 0.1 सेंटीमीटर का घपला हो सकता है, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर की इसमें गड़बड़ी हो सकती है। तो इस प्रकार से फिजिक्स में या किसी भी मापन पद्धति में, किसी भी सिस्टम में, इस प्रकार से डाटा को लिखा जाता है। वी आर नॉट श्योर, 3.2 से तो ज़्यादा ही है, लेकिन 3.3 है नहीं। अब अगर 3.2 लिखते हैं तो भी गलती है, और 3.25 या 3.26 या 3.21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब वी आर नॉट श्योर, हमें पता तो है नहीं, हम लिख भी नहीं सकते इसको। अगर हम इसको 3.22 लिख देंगे तो फिर ये तो एकदम नितांत गलत हो जाएगा। उसका कारण क्या है कि हमारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं, तो ऐसी अवस्था में हम उसका आंसर 3.2 ही लिखेंगे, लेकिन साथ में ये बता देंगे कि इसमें 3.2 से लेकर 3.3 तक, यानी कि 0.1 की अनिश्चितता है। तो इस प्रकार से इसी को त्रुटि कहते हैं। अब मान लिया ऐसे ही मैंने चौड़ाई भी नाप ली, 3.1 प्लस माइनस 0.1। अब आप इतनी तो समझ ही गए होंगे कि जो ऑर्डिनरी स्केल से कोई भी माप लेंगे तो उसमें 0.1 का गड़बड़ होगा ही होगा, या 0.1 के बारे में अनिश्चितता बनी रहेगी। तो इस पर अब मान लिया लेंथ भी मैंने नाप ली और चौड़ाई भी इसमें मैंने नाप ली, तो मैं इसका एरिया कैसे नापूंगा, हाउ टू फाइंड आउट एरिया। एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ में भी वी हैव मिस्टेक एंड ब्रेथ ऑल्सो इट कंटेन्स सम एरर, इसमें भी त्रुटि है, तो इनके गुणा से और त्रुटियाँ आ जाएंगी, तो इसे हम कहते हैं त्रुटियों का संचरण। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, त्रुटियों का संचरण किस प्रकार से होता है। त्रुटियों का संचरण, त्रुटियों का संचरण, तो सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। यहाँ पे तो एक गुणा वाला, क्षेत्रफल में गुणा होता है, क्योंकि अगर आप क्षेत्रफल निकाल लें तो आपको लंबाई चौड़ाई पता होनी चाहिए, तब गुणा करके क्षेत्रफल आएगा। इसी प्रकार से हम आज जो बात करेंगे, सबसे पहले जोड़ में त्रुटि, जोड़ करने में त्रुटि का संचरण, यानी कि y बराबर a धन बी है, ये कोई सूत्र है y बराबर a धन b, जैसे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, इसी प्रकार से y बराबर a धन b है। अब अगर a में कुछ, a को भी हमने नापा है और b को भी नापा है, a में त्रुटि आ गई कुछ,
बी में त्रुटि कुछ आ गई, तो वाई में जब जोड़ेंगे तो वाई में कितनी त्रुटि आएगी, और यहाँ पर कितनी त्रुटि से यहाँ पर हमारे को जो निकालना है वाई में अधिकतम कितने की त्रुटि आ सकती है। अगर ए में ए कुछ त्रुटि है, बी में कुछ त्रुटि है, तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, सब वाई में ज़्यादा से ज़्यादा कितने की त्रुटि हो सकती है। चलिए माना ए में त्रुटि डेल्टा ए की है, तो त्रुटि को मैं ऐसे लिखता हूँ, माना ए में, ए तथा बी में, ए तथा बी में डेल्टा ए तथा डेल्टा बी की त्रुटि है, की त्रुटियाँ हैं, माना ए तथा बी में डेल्टा ए तथा डेल्टा बी की त्रुटि है, इस कारण y में, माना डेल्टा y की त्रुटि आ जाती है, y की त्रुटि आ गई है तब कैसे लिखेंगे y, त्रुटि को हमेशा प्लस माइनस करके लिखते हैं, y में त्रुटि आ गई डेल्टा y की, और a में त्रुटि थी बच्चों डेल्टा ए की, और बी में त्रुटि थी डेल्टा बी, ऐसे लिख सकते हैं, ए में त्रुटि डेल्टा ए की है और बी में त्रुटि डेल्टा बी की है, और उस कारण वाई में जो त्रुटि आ गई वो किसकी आ गई, डेल्टा बी की आ गई। चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, y प्लस माइनस डेल्टा वाई इजी कर दो, इनको जब जोड़ेंगे तो a और b को एक साथ लिख लेते हैं, a धन b, और ये दोनों त्रुटियों को एक साथ लिख लेते हैं, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अच्छा देखिए y बराबर a धन b है, इसका माने इधर y अगर इधर भी है तो ये कट जाएंगे ना, y और a धन b, क्योंकि मैं ए धन बी को जब इधर लाऊंगा तो ऋण में हो जाएंगे, तो वाई क्योंकि ए धन बी के बराबर तो बच जाएगा, तो अब क्या आ गया, इससे इससे हमारे पास आ गया प्लस माइनस डेल्टा वाई बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। इससे हमारे पास आ गया प्लस माइनस डेल्टा ए वाई बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए, ये डेल्टा जो है त्रिभुजा त्रिभुज का साइन है, अक्सर आप डिफरेंस निकालने के लिए उपयोग करते हैं इस डेल्टा का, दो चीज़ों का डिफरेंस अंतर, तो डेल्टा वाई बराबर डेल्टा ए, ये डी मत समझना इसे, ये त्रिभुज का जैसा लेटर है, इसको थोड़ा सा और सफाई से लिखो तो ऐसे लिखा जाएगा, डेल्टा ए आगे से इसको ऐसे ही समझना है। अब ये जो प्लस माइनस आ जाने से डेल्टा वाई के चार मान इसमें आ जाते हैं, देखो इसके आधार पर डेल्टा वाई की चार वैल्यू हो सकती है, क्या क्या हो सकता है, हो सकता है डेल्टा वाई बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो, और हो सकता है डेल्टा वाई बराबर माइनस डेल्टा ए हो प्लस डेल्टा बी हो, क्योंकि हमें हमें ये तो पता है कि ए में डेल्टा ए की त्रुटि है धन की है ऋण की है, हमें नहीं पता। इसी प्रकार से ये डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी भी हो सकता है, और हो सकता है ये दोनों ही माइनस में हो, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, तो डेल्टा वाई की इस प्रकार से बच्चों चार मान हो सकते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं अधिकतम डेल्टा वाई का मान कितना हो सकता है, तो आप कहेंगे या तो ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं, क्योंकि तो इसमें भी जोड़ रहा है डेल्टा ए डेल्टा बी, और इसमें भी जोड़ रहा है, या भले ही माइनस में है या भले ही प्लस में है, तो इन दोनों को ही देख के हमने कहा, तो डेल्टा वाई का अधिकतम मान कितना होगा, का अधिकतम डेल्टा वाई का अधिकतम मान
डेल्टा वाई का अधिकतम मान ही हमें लेना है, अधिकतम मान बराबर हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अर्थात अगर ए में डेल्टा ए की एरर है, बी में डेल्टा बी की एरर है, तो उनका जोड़ और वाई है, तो वाई में जो एरर होगी, त्रुटि होगी, वो उन दोनों का सम होगा। अब तुम इससे कैसे समझे, कैसे इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए न्यूमेरिकल करते हैं, माना एक छड़ है जिसकी लंबाई 3 मीटर है, 3 मीटर है, लेकिन ये किससे नापा है, वो मीटर स्केल से, तो मीटर स्केल में 0.01 3 मीटर ना, हाँ वो वाला जो आपका ऑर्डिनरी स्केल होता है उसको लेके नापा है, तो कितने की त्रुटि आएगी उसमें, मीटर में है अगर तो मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 0.001 इतने मीटर की त्रुटि होगी। चलो सेंटीमीटर में ही लेते हैं, 30 सेंटीमीटर है लंबाई पहले रॉड की, और इसमें बच्चों सभी को पता है 0.1 सेंटीमीटर की त्रुटि आएगी। इसी प्रकार से दूसरा रॉड है एक, और ये जो है 15 सेंटीमीटर का है प्लस माइनस, इसमें भी 0.1 सेंटीमीटर की त्रुटि आएगी। अब इन दोनों को जोड़ के हमने एक रॉड बना दिया है, तो उसकी लंबाई कितनी होगी और उसमें त्रुटि कितनी होगी, तो क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर जो है L1 प्लस L2 आएगा, राइट, L1 प्लस L2 आएगा, तो लेंथ इसकी 30 प्लस 15 कितनी होगी, 45। लेकिन क्योंकि ये दोनों त्रुटिपूर्ण है इसलिए इनका जोड़ में भी त्रुटि आ जाएगी, लेकिन त्रुटि जो है सीधे जुड़ जाती है, देखो 0.1 इसके 0.1 इसके, तो 0.2 सेंटीमीटर ऐसे आंसर लिखूंगा। तो इस प्रकार से जोड़ में हम त्रुटियां निकालते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल भी आपको बता दिया कि अगर L1 में 0.1 की त्रुटि है, L2 में 0.1 की त्रुटि है, तो इनको जोड़ने पर L का मान तो 45 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन त्रुटि जुड़ जाएगी, 0.1 जुड़ के 0.2 सेंटीमीटर इस प्रकार से हो जाएगी। तो ये था किस प्रकार से जोड़ में संचरण होता है त्रुटि का। ठीक इसी प्रकार से बच्चों घटाने में भी संचरण होता है। अगर y बराबर घटाने में संचरण, पूरा वैसे लिख लेना, y बराबर आपकी बात a माइनस b है, और ए में डेल्टा ए की एरर है, बी में डेल्टा बी की एरर है, और इस कारण वाई में डेल्टा वाई की एरर है, तो मैं इसको ऐसे तो लिखूंगा, अभी इससे पहले जैसा लिखा है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। फिर से वैसे ही y प्लस माइनस डेल्टा y बराबर a और b को एक साथ लिख लिया मैंने, a माइनस b, और इधर जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a, लेकिन ये माइनस के कारण ये माइनस प्लस डेल्टा b हो जाएगा। फिर से ये और ये कट जाएंगे क्योंकि ये बराबर है, y बराबर a माइनस b है। फिर से वही देखिए आप क्या सीन आ गया, डेल्टा y बराबर प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा बी। उसी प्रकार से फिर से डेल्टा वाई के वही 4 केस बनेंगे, और फिर वाई का अधिकतम मान वही आएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। बिल्कुल वही वाले 4 आपको फिर से उतार देने जो इससे जस्ट पहले लिखे हैं। तो इस प्रकार से डेल्टा वाई का अधिकतम मान डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हम लेंगे। इसका भी वही एग्जांपल है, एक रिटर्न का है, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था, एक 30 था दूसरा 15 था। अब मान लिया हमें ये बताना है उन दोनों में कौन बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, कौन बड़ा है कितना बड़ा है, तो मान लिया पहला वाला बड़ा था, तो L1 माइनस L2 बराबर मैं L निकालना चाह रहा हूँ, तो 30
था पहला वाला 30 प्लस माइनस 0.1, दूसरा वाला था 15 प्लस माइनस 0.1, तो एल बराबर हो जाएगा 30 में से 15 गया 15, क्योंकि घटाने का मामला है, प्लस माइनस, लेकिन त्रुटि अभी भी जुड़ेगी तो 0.2 ही आएगा। तो ये हो गया आपका डिफरेंस वाला कि किस प्रकार से दो भौतिक राशियां अगर घट रही हैं तो उनमें त्रुटि किस प्रकार से संचरित होगी। बच्चों ये मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल वही पहले वाला है, तो ये घटाने में इस प्रकार का होगा। अगला वीडियो फिर मैं आपको कल भेजूँगा।